we need to ask Shelley. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत कमाल धमाल होंगे और बहुत ही धूम मचा रहे होंगे। सभी लोगों के लिए बहुत सारी स्पेशल बातें हैं, बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं जो आज हम करने वाले हैं। आज का टॉपिक अपने आप में बहुत बढ़िया है और ये टॉपिक जो है हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन में प्रोबेबिलिटी का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल लगे रहो, जुड़े रहो, बने रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम सब लोग कमाल हो। जय स्वामीनारायण बेटा, आपका बहुत बड़ा फैन हूं, थैंक यू वेरी मच। जो जो लोग आ गए हैं, एल्विन, करण, वरुण, अब्दुल्ला, ऐश्वर्या, श्रवण, एजी, डेविल, शहजाद, किरण, गायत्री, मुबीन, शिवा, शारदा, मदिया, शेख, वरुण, विलास, गायत्री, ब्लैक गेमिंग, विशाल, सृष्टि, नाना, शिवा, शारदा, प्राजक्ता, व्यास, मदिया, अर्जुन, अब्दुल्ला, श्लोका, ओम, मैक जी और कार्तिक। ये ओके, बाकी के नाम मैं ले नहीं पाया आणि मला नाव घेता येत नाही, कारण नाव घेण्यासाठी मी इथं आलो नाही, मी शिकवण्यासाठी आलोय। तो चलो, ज्यादा बातें न करते हुए आज का कमाल का टॉपिक प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, यहां पर श्लोका ने कुछ कमेंट किया है कि जय स्वामीनारायण, यूट्यूब स्टूडियो आप जब डाउनलोड किया तो सोच रहा हूं अपने सिंगिंग का। ओके, हेलो दर्पण, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं दावी पास है। प्रोबेबिलिटी आज हम कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि अनअकैडमी पर एमसीक्यू मैराथन स्टार्ट हो गया है और पीसीएमबीई के लिए, ठीक है। और ये बात ध्यान रखो, क्लास 11th के लिए शुरू हुआ है, 19 तारीख से नई बैच शुरू हो रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये बैच चलने वाली है। तो बहुत कमाल का है ये क्लास, और आप अगर अनअकैडमी के स्टूडेंट हो और नए हो तो सब्सक्रिप्शन ले लो फटाफट और इन क्लास का फायदा ले सकते हो। टारगेट बोर्ड एग्जाम प्लस एमएसटी सीटी दोनों क्लासेस के लिए एक कमाल का एक सेशन लेके आए हैं अनअकैडमी पे, एचएससी 12 पे, और स्टार्टिंग डेट है 19 तारीख से। मोड ऑफ डिलीवरी जो है मराठी में रहने वाली है, ठीक है। यहां हम कुणाल सर, दिगंबर सर, गुणवंत सर और गजानन सर आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच भी 19 तारीख से ही आ रहा है और ये प्लस के क्लासेस है, प्लस के टेस्ट है जो अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है हर महीने, तो आप भी इसमें भाग ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको करना यह पड़ेगा भैया कि आपको लेना पड़ेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा PWA किंग। तो कोड लगाओ PWA किंग और फटाफट 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 यहां पर 10% का डिस्काउंट पाओ और मेरी क्लास को आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। वैसे 12th के लिए भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये सारी क्लासेस हैं, ये सारे टेस्ट हैं जो शाम को 7 बजे होने वाला, अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग डेट्स को होते हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी और इसका पूरा पूरा फायदा ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब पहुंचते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट से सेशन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट से पार्ट के ऊपर, और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है दैट इज प्रोबेबिलिटी। वो क्या है? एक मिनट,
कुछ इशू हुआ है, कुछ इशू हुआ है, पर कुछ ना कहो अन कुछ भी ना कहो, अरे क्या कहना है अन काय सुनना है, मुझको पता है। आगे सब बच्चे, ट्वेल्थ का कब तक है, कब है? अभी आज निकल लेंगे ट्वेल्थ, कल ले लेंगे ट्वेल्थ, देखते हैं कल टाइम निकाल के ट्वेल्थ का क्लास ले लेंगे, सही रहेगा, है ना। कल आपका आठवां चैप्टर भी खत्म कर देंगे, तो मैथ्स टू खत्म हो जाएगा। मैथ्स वन तो धीरे धीरे करवा देंगे, कोई बात नहीं है। और वैसे भी आई थिंक कि मैथ्स टू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, तो आज का जो क्लास है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत धूम मचाने वाले हैं हम। आज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम बात करेंगे डाइस की, जिसमें बात करेंगे हम ऐसे बॉल्स की, हम बात करेंगे कार्ड्स की, हम बात करेंगे कॉइन्स की, हम कॉइन्स की भी बात करेंगे, है ना, चिल्लर की, ऐसे चिल्लर, है ना, हेड एंड टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। और इसके ऊपर जो है ना, मैं तुमको बताऊं, अगर आपका प्रोबेबिलिटी अच्छा है तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि आपके लिए कितना स्कोप है। आप बहुत अच्छा कैरियर कर सकते हो अगर मैथ्स आपका अच्छा है, और अगर प्रोबेबिलिटी आपका अच्छा है तो आपके लिए कैरियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लाइक माय सन इज डूइंग, यू कैन आल्सो डू इट। इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है, तो इस चैप्टर का अगर वेटेज हम देखते तो ऑप्शन के साथ 8 मार्क के यहां से जो है क्वेश्चन आते हैं, छोटी बात नहीं है। पेपर कितने मार्क का होता है? पेपर होता है 40 मार्क्स का, और 40 में से अगर 8 मार्क्स हो जाए तो 100 में से कितने हो गए, 8 × 5 = 40, 20% का इसमें से पूछा जाता है। और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है, सबसे सिंपल, मतलब जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं अभी तक के उसमें आप, मुझे लगता है कि ये सिंपल है। क्या आपको भी लगता है सिंपल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, है ना। लगे तो एक पोल ले लेते हैं। वेटेज भी बताएंगे सारा। हेलो तेजू, तेजू आज नहीं करेंगे, अपना कल करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, इंडेक्स देख लो क्या क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहली एक्सरसाइज जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, पहली एक्सरसाइज जो है वो आउटकम के ऊपर है, और इक्वली लाइकली आउटकम के ऊपर। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कुछ भी, कॉइन फेंक दिया, एक कॉइन टॉस किया, दो कॉइन टॉस किया, तीन कॉइन टॉस किया, एक डाई फेंका, दो डाई फेंका, ऐसा कुछ तो भी किया, तो वो क्या होता है? वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या होता है? जैसे मैंने एक कॉइन फेंका तो क्या आएगा? हेड या टेल। तो हेड या टेल क्या? आउटकम हो गए। इक्वली लाइकली क्या? दोनों के आने के चांसेस सेम सेम होते हैं। सैंपल स्पेस, एक्सरसाइज 5.2 पूरी की पूरी सैंपल स्पेस के ऊपर है। 5.3 जो है वो इवेंट और टाइप्स ऑफ इवेंट्स के ऊपर है, मतलब इसमें सिर्फ आपको इवेंट लाना है। 5.4 मेन एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी, और फिर प्रॉब्लम सेट है। तो देखा जाए तो चैप्टर जो है ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है, और इसमें तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसमें तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दर्शन, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें सैंपल स्पेस 5.2 में है, कुछ नहीं, हो गया काम, हो गया हो गया। इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट की बात करेंगे। सबसे पहले 5.1 का बेसिक क्या है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना, कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच नंबर एक ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। अब मुझे बात बताओ, अगर मैंने कॉइन फेंका, मैंने कॉइन फेंका तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मुझे पता है, मुझे रिजल्ट पता है ना। मैंने कार्ड्स में से पत्ता निकाला, 52 पत्तों में से कोई पत्ता आएगा, मुझे रिजल्ट पता है। मैंने डाई फेंका तो 1 से 6 के बीच में कुछ तो भी आएगा, मुझे रिजल्ट पता है। तो वही बात है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। हमको एडवांस में ही पता होता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे। पहली बात, नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, भविष्यवाणी। ये जो तुम उनके पास जाते हो ज्योतिषी के पास में, वो तुमको भविष्यवाणी बताते हैं। तुमचा गुरु भारी है, तुमचा मंगल भारी है, तुमचा शनि भारी है, इधर कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। जो जब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप जो क्या कहते हैं, जो आप जो कॉइन यूज कर रहे हो, वो जो कॉइन यूज कर रहे हो आप,
उसमें कोई हेरा फेर नहीं है, तो उसका नाम होता है अनबायस्ड। उसको क्या बोलते हैं? अनबायस्ड, है ना, उसको बोलते हैं अनबायस्ड, अनबायस्ड कॉइन, है ना, वो अनबायस्ड कॉइन होता है। और एक होता है बायस्ड, मतलब जिसमें हेरफेर करी होती है। बायस्ड एंड अनबायस्ड ऐसे दो शब्द है। बायस्ड कौन सा था पता तुमको? जो शकुनी मामा यूज कर रहा था ना, शकुनी मामा ने यूज किए थे महाभारत में भांजे, वो जो था वो क्या था? वो बायस से उनमें छेड़छाड़ की गई थी। कहा जाता है कि वो जो पासे थे जो शकुनी मामा यूज कर रहा था द्रुत कीड़ा में महाभारत में, वो शकुनी के पिताजी की अस्थियों से बनाई थी, बनाए गए थे। तो जो वो बोलते थे वो अस्थियां उसका पालन करती थी, बताओ, है ना। पप्पा इतनी बात मानते थे मरने के बाद भी। बेस्ट ऑफ फाइव भी होता है। बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं होगा बेटा, क्लियर दिख रहा है, कोई बात नहीं है। कॉइन अगर आप इसको देखते हो मोबाइल में, मुझे दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, है ना। मैं जो है यहां पर आपके लिए क्लियर बता दूं कि मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ही ऐसा है। तो ऐसा है रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट पता हो, जिसके आउटकम्स को प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता, एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ द ईच रिजल्ट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहां इसके आने की, हर किसी के आने की इक्वल पॉसिबिलिटी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? जब इक्वल पॉसिबिलिटी होगी तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तीन बातें होती है, रिजल्ट जो है पहले पता हो, क्या आएगा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और तीसरा सबके आने के इक्वल चांस होते हैं। ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ द वेल शफल्ड कार्ड्स। ओके, तो यहां पर जो है ये आप देख सकते हो कि इस तरह से पूरा सीन होता है, इस तरह से पूरा सीन होता है। ठीक है, चलिए एक मिनट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आउटकम। जैसे 52 पत्ते अगर फेंकते हैं तो ये 52 पत्तों का आउटकम है। 52 पत्तों में जो 26 पत्ते होते हैं वो रेड होते हैं। रेड कौन से होते हैं? रेड ऐसे होते हैं, एक तो हार्ट वाला होता है, है ना, ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम बड़े एक्सपर्ट बच्चे हो। एक तो हार्ट होता है ऐसा, है ना, ऐसा, ठीक है ना, जिसको सत्यानाश करना होता है ना जिंदगी का, वो हार्ट के पीछे घूमता है। और एक होता है ऐसा, एक होता है ऐसा डायमंड, इसको कहते हैं डायमंड, ठीक है। 26 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 26 कार्ड रेड, 26 कार्ड ब्लैक, 13 कार्ड क्लब कार्ड होते हैं, किल्वर मनता तेरा, और ये स्पेड जिसको हम बोलते हैं काला पान, है ना, ये अशेषतत्, है ना। ब्लैक कार्ड का अशेषतत्, ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स, एक तो क्लब होता है, क्लब, क्लब ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ये क्लब कार्ड है, ठीक है। और एक होता है स्पेड, वो कुछ ऐसा होता है। अरे 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 ये क्या हुआ? ओके, जमीनी बात, ये होता है स्पेड, है ना, ऐसा वाला, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या क्या चीजें एक्सपेरिमेंट में आती है, आउटकम में, कि रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं आउटकम, ठीक है। फिर एग्जांपल देख लो, जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल आता है ना। एक कॉइन टॉस किया तो आपको या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक डाई फेंकी तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, चार मिलेगा, पांच मिलेगा, छह मिलेगा। वो जो डाई होती है ना छोटी सी, उसको बोलते हैं डाई। देखो उसको लिखते हैं, एक होती है तो डाई और दो होती तो डाई। देखो लिखते समय ऐसा लिखते हैं, लिखते समय जब एक होगी ना तो डाई लिखते डाई, और दो होती है, दो से ज्यादा होती है तो डाई लिखते हैं। ऐसा याद रखना है इसको, ये स्पेलिंग मिस्टेक, गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है। फिर ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स ऑफ द 52 पॉसिबल आउटकम्स। देखो कॉइन फेंकते हैं तो आउटकम कितने होते हैं? दो, हेड या टेल।
डाई फेंकते तो आउटकम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 छह आउटकम होते हैं। कार्ड में से एक कार्ड निकालेंगे तो आउटकम कितने होंगे, 52। और आगे क्या होता है इसमें, कितने प्रकार के होते, तो हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है और स्पैड होता है। और आगे बढ़े तो यहां पर बाकी के कुछ फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स क्या होते हैं, एक होता है जैक जिसको बोलते हैं जोकर, एक होती है क्वीन वो होती है रानी, एक होता है किंग, है ना। अब सभी चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, सारे के सारे कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, 4 टाइप्स के। ये भी 4 टाइप का होता है, ये भी 4 टाइप का होता है, ये भी 4 टाइप का होता है, तो टोटल कितने होते हैं, 12। और ये 12 जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स, इनको फेस कार्ड्स कहते हैं क्योंकि इनके चेहरे पे फोटो होता है, इनका फोटो है ना। मेरे पास कार्ड भी है अभी, क्या बात है स्वरूप, क्या बात है, वाह वाह। बढ़ते हैं आगे, तो एस कार्ड्स आर नॉट काउंटेड एज द फेस कार्ड। हाँ, इक्का जो होता है ना, इक्का, इक्के को एस, जो इक्के को एस बोलते हैं ना, तो इसको जो है ये फेस कार्ड में नहीं होता इक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम, तो क्या बोलता है, अ गिवन नंबर ऑफ आउटकम आर सेट टू बी इक्वली लाइकली आउटकम इफ नन ऑफ देम ऑकर इन द प्रेफरेंस ऑफ अदर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कॉइन फेंका तो हमेशा टॉस ही आएगा, ऐसा नहीं होता, हेड आएगा तो हमेशा हेड ही आएगा, ऐसा नहीं है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कोई प्रेफरेंस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो इक्वली लाइकली आउटकम मतलब उनके दोनों की होने की संभावनाएं इक्वल होती है, इक्वली लाइकली आउटकम मतलब दोनों के आने की संभावना सेम होती है, 50-50 चांसेस होते हैं, है ना। या 50% चांसेस हो जाएगा कि भैया हेड आ जाए, या 50% चांसेस होते हैं कि भैया टेल आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, 60-40 नहीं होगा, 50-50 ही होता है, ठीक है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड और टेल आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम। इसी को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, एक बराबर आने की, उसकी जो आउटकम्स होते हैं उनके एक बराबर आते हैं, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट बाय टॉसिंग अ कॉइन इफ वी गेट द सेम सरफेस फ्रीक्वेंटली, अगर कोई बार बार वही सरफेस हमारे सामने आ जाए तो वो बायस्ड होता है, बायस्ड, देखो बायस्ड है ना, शब्द समझ लो क्या होता है, शब्द क्या होता है, बायस्ड, बायस्ड और अनबायस्ड, ऐसे दो शब्द होते हैं जो हम कॉइन इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, वो अनबायस्ड यूज करने वाले, हम बायस्ड यूज नहीं करेंगे, है ना। बायस्ड मतलब जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है ना, तो बायस्ड हम यूज नहीं करते, हम कौन से यूज करते हैं, अनबायस्ड, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है ना, हम क्या करेंगे, ये वाले यूज करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट वी अज्यूम द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड आर फेयर एंड अनफेयर, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो फेयर है, सही है, सच्ची है, झूठी नहीं है, झूठा कोई नहीं इसके अंदर। सुमित असं झालं होतं, सुमित बोललं की माझ्या बहिणीने बघितलं की मी कार्ड घेऊन बसलोय, तिने पप्पांना जाऊन सांगितलं की बघा काय अभ्यास करतोय हा, तर असं झालं होतं की मी अनअकॅडमीवर पहिलाच क्लास, मला वाटतं काही क्लास घेत होतो, आणि एक मुलगाने त्याच दिवशी सबस्क्रिप्शन घेतलं होतं आणि तो अभ्यास करायला लागला, आणि ते कार्ड आणि याच्याबद्दल मी बोलत होतो, मी पत्ते काढून दाखवले त्यांना, इथे माझ्याकडे कॅट नाही आहे, घरी आहे, तर त्याचे आई वडील पाहत होते, हे काय करतोय तू, अभ्यास करायला लागला की हे काय पाहतो, पत्ते घेणं शिकवतो हा मास्तर कोण आहे। देखते बेटा पॉलिटिकल डिप्लोमा के लिए भी देखते क्या हो सकता है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन शुरू हो गए, देखो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन देके रखे हैं, जो पहली पॉसिबिलिटी है उसके अंदर चार क्वेश्चन देके रखे हैं, पूरी एक्सरसाइज में चार क्वेश्चन है, मतलब यहां पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये क्या बोलता है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, वी हैव टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला वाला, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन द महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन द समर वेकेशन। वनिता को कुछ साइट्स पता है, कुछ जगह पता है और वो समर में जाने का प्लान कर रही है, क्या क्या है, अजिंठा है, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है,
तड़ौदा है, तड़ौदा वाइल्ड सेंचुरी है, अंबोली है, रायगढ़ है, माथेरन है और आनंदवन है। तो मैंने जितनी लाइन खींची कितने है ये, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ है। कितने हैं आठ, तो वनिता कितनी जगह जा सकती है, आठ जगह जाने की पॉसिबिलिटी है। तो देर आर एट पॉसिबिलिटीज है ना, आठ पॉसिबिलिटीज है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे कि हियर एट साइड्स ऑफ द महाराष्ट्र आर गिवन, सो देर आर एट पॉसिबिलिटीज इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ विजिटिंग अ साइड ऑफ एट साइड्स ऑफ महाराष्ट्र, एट पॉसिबिलिटी, देर आर एट पॉसिबिलिटीज। आपने ऐसा लिखा कि देर आर एट पॉसिबिलिटीज, दैट्स इट, हो गया खत्म। अगला वाला, एनी डे ऑफ द वीक, वीक में कितने दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, सात दिन। तो भैया एनी डे बोला है ना, एनी डे बोला, तो एनी डे कितना हो जाएगा, सात दिन हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज क्या होगी, सेवन डेज। तो सेवन पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ डे ऑफ द वीक, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट में लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, कार्ड निकालना, तो बावन पॉसिबिलिटीज है, कार्ड में से एक कार्ड निकालोगे तो बावन पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। और वन नंबर फ्रॉम 10 to 20, बताओ क्या होगा, 10 से 20 के बीच में एक नंबर निकालना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 10 से 20 के बीच में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, कमेंट बॉक्स में बताओ। आवाज गेला, ऐसे स्टेटमेंट में लिखना आपको। आगे बढ़ते हैं, कार्ड निकालना तो बावन पॉसिबिलिटीज है, कार्ड में से एक कार्ड निकालोगे तो बावन पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। इसको कैसे आवाज नहीं आ रहा है, चलो बावन पॉसिबिलिटीज का हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20, यार 10 से 20 के बीच में एक नंबर निकालना, तो 11 होंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 10 हो गए, और 20 वाई 11, तो कुल मिला के 11 होगा। वहां पर कितना होगा, 11 कार्ड्स है ना, वन नंबर फ्रॉम 10 टू 20 आर रिटर्न ऑन द ईच ऑफ द कार्ड्स, सेलेक्ट वन ऑफ देम रैंडमली। हालांकि पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज वो सब मैंने बताना चाहिए था, मैंने बहुत शॉर्टकट में इसको लिया है। बढ़ते हैं आगे, चलो चेक करते हैं आंसर, बताओ। वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 21 टू 31 आर रिटर्न ऑन द कार्ड, हाउ मेनी पॉसिबल कार्ड्स, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मैं कमेंट में, मैं आपको क्विज दे रहा हूं, क्विज दे रहा हूं, क्विज का आंसर देते हैं, क्विज क्वेश्चन में यहां ए है, यहां बी है, यहां पर सी है और यहां पर डी है, बताओ क्या आंसर आएगा। मैंने पोल दे दिया इसके लिए, वन नंबर फ्रॉम 21 टू 31 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इफ वन ऑफ द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, बताओ जल्दी से क्या आंसर आ गया है। बच्चों ने 42% दिया है बी को, 45% दिया है बी को, 47% दिया है बी को, भैया इन सब के अंदर ये जो रमेश और स्वरूप है ना, ये करेक्ट बोल रहे हैं, रमेश और स्वरूप ने करेक्ट बोला है, इसका आंसर डी आएगा, इसका आंसर डी आएगा। अरे यार 21 से 31 है ना, 11 नंबर आना चाहिए, ये देखो 11 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 11 21 से 31 तक 11 नंबर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं, डैश पॉसिबिलिटीज आर देयर इफ एनी मंथ ऑफ द ईयर इज सिलेक्टेड, साल में 12 महीने होते हैं तो कितने पॉसिबिलिटीज होगी, 12 पॉसिबिलिटीज होगी। बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलता है इफ एनी वन डे फ्रॉम द मंथ ऑफ द अगस्त इज सिलेक्टेड, अगस्त में कितने महीने होते हैं, देखो कितने दिन होते हैं, तो याद कैसे रखोगे, जनवरी फरवरी मार्च, फिर होता है अप्रैल, फिर होता है मई, फिर होता है जून, फिर होता है जुलाई, फिर होता है अगस्त, फिर होता है सितंबर, फिर होता है अक्टूबर, फिर होता है नवंबर और फिर होता है दिसंबर, है ना। अब देखो ये मेरा हाथ जो है ना, ये मेरा हाथ ऐसे देखो ना, मेरे हाथ के ऊपर है ना, ये जो ऊपर आएगा ना, जितने ऊपर आएंगे उतने में क्या आएगा, 31 आएगा, जनवरी फिर फरवरी नीचे, मार्च फिर अप्रैल नीचे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर से अगस्त ही आ जाएगा, ठीक है। तो कौन से 31 आएंगे, देखो पहले 31 लिखना शुरू कर दो,
तो ये जनवरी में 31 होगा, जनवरी, फिर फरवरी छोड़ दो, ये मार्च, फिर अप्रैल छोड़ दो, मई, जून छोड़ दो, जुलाई। तो देखो जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी नीचे, मार्च ऊपर, अप्रैल नीचे, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई, जुलाई के बाद में वापस आएंगे तो अगस्त, अगस्त फिर से ऊपर, अगस्त, सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर, नवंबर छोड़ दो, दिसंबर। और इसके अंदर फरवरी होता है एक तो, या तो इसके अंदर 28 आते हैं है ना, या फिर 29 आते हैं है ना, या तो 28 दिन आएंगे या 29 दिन आएंगे लीप ईयर के हिसाब से, ठीक है ना। और फिर बाकी का क्या करेंगे हम, बाकी में 30 लगा देंगे, सब फिर 30 दिन होते हैं, सब में फिर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो ये हो गया आपका इसके हिसाब से। लेकिन इससे क्या बोला, अगस्त का बोला है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, पॉसिबिलिटीज 31 होगी, पॉसिबिलिटीज 31, क्योंकि अगस्त के अंदर देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ द अगस्त, तो रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज आर 31, ठीक है। आगे बढ़ते, समझ में आ गया सबको, ठीक है, याद रखना इससे, ये इससे फिंगर से याद रखना, फिंगर से ना ऐसा बुक्का मार दे, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस देखो कुछ नहीं है, जो सब आउटकम निकले ना, जितने आउटकम, उन सब आउटकम को पैक कर लेने का। जैसे देखो, जैसे सिंपल बात समझ लो, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने एक कॉइन फेंका तो मुझे मिला हेड या टेल, है ना। वन कॉइन मैंने जब फेंका, मैंने जब वन कॉइन फेंका, एक मिनट रुको, मैंने जब वन कॉइन फेंका तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला हेड या फिर टेल। तो मैं अगर इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। ये क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को अपन एस से या ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, और लिखते समय इसको कर्ली ब्रैकेट, जैसे सेट में लिखते थे ना, सेट में ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो सैंपल स्पेस ये होता है, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। और अगर मैं एनएस लिख दूं, एनएस मतलब क्या, कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, ये वाले सेट में तो दो है, तो ये होता है सैंपल पॉइंट, इसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। और ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इसका अर्थ ये भी होता है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, उसको सैंपल पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वापस से चलते हैं स्क्रीन पर, ओके यहां बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन देखो क्या है, कि द सेट ऑफ ऑल द सेट, सेट 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 सेट, क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, ये जितने रैंडम एक्सपेरिमेंट है उनका सेट। और सेट को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखने का, इसको क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, है ना, कर्ली ब्रैकेट। एक स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है ऐसा, और एक पैरेंथेसिस होता है ऐसा, अलग अलग नाम है इनके, ब्रैकेट के प्रकार गूगल में सर्च करो और इमेज पे चले जाना, सब प्रकार के ब्रैकेट दिख जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से या ओमेगा से, इसको बोलते हैं ओमेगा, ओमा नहीं, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा नहीं, नहीं तो तुम्हारे पड़ोस में कोई मेघा नाम की लड़की रहती होगी, तुम बोले ओ मेघा इकड़े, ते नहीं है, ये ओमेगा है, ओमेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के अंदर का हर एलिमेंट जो होता है वो पॉइंट कहलाता है। जैसे मैं एस ले लो तो एच ओ टी, तो एच ओ टी क्या है, सैंपल पॉइंट है, एच ओ टी क्या है, सैंपल पॉइंट है। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस आर डिनोटेड बाय एनएस, इसको एनएस से इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एनएस क्या होता है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, तो क्या होता है, इट इज कॉल्ड फाइनाइट सैंपल स्पेस। यार देखो, मैं कॉइन फेंकूंगा एक तो मेरे पास ऐसा बनेगा सैंपल स्पेस, अगर मैं डाइस फेंकूंगा तो मेरे पास बनेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देके रखे किताब में, ये एच टी है, ये एच एस टी टी, माई गॉड ये कैसे आया सर, हाँ कैसे बोलना अपन, हे कस का आला, हे का नाटक है। तो लिखने का तरीका समझा देता हूं, इसको बाद में देखेंगे, चलो इधर चलते हैं। देखो बात करते हैं कॉइन्स की, बात करते हैं कॉइन की, अगर एक कॉइन हो तो सैंपल स्पेस क्या आता है, सैंपल स्पेस आता है एच एन टी। अगर दो कॉइन्स हो तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो एस लिखने का, इधर ब्रैकेट लगाने का, आप उधर का ब्रैकेट बाद में लगाएंगे। देखो
जब एक कॉइन होता है तो 2 power 1 आउटपुट आएगा, मतलब दो आउटपुट है, देखो दो आउटपुट है। जब दो कॉइन है तो 2 power 2, 2 × 4 आएगा, इसके आउटपुट 4 आएंगे, इसमें 4 आउटकम्स आएंगे। जब 3 कॉइन होंगे तो 2 × 4 × 8, जब 3 कॉइन लोगे ना तो 8 आउटकम्स आएंगे। कितने आउटकम्स आएंगे? 8 आएंगे। लिखेंगे कैसे? 2 कॉइन होंगे तो कितने आउटकम आने वाले हैं? 4 आउटकम आने वाले हैं। तो कैसे लिखोगे? पहले 2 × 4 = 2 एच लिखो, 2 × T लिखो, 2 × H लिखो, 2 × T लिखो, फिर 1 × H, फिर क्या करोगे? फिर लिखोगे 1 × H, 1 × T, फिर 1 × H, 1 × T, कॉमा लगा दो और ये तुम्हारा सैंपल स्पेस का सेट हो गया। पहली बात, 3 कॉइन होंगे तो आउटपुट कितने हैं? 4। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? पहले 4 head 4 tail, फिर 2 head 2 tail, फिर 1 head 1 tail, ऐसा लिखने का है ना, 4 head 4 tail। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा 4 head 1 2 3 4, 4 head 4 tail, 1 2 3, 4 head और 4 tail लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब 4 का आधा 2, 2 head फिर 2 tail, फिर 2 head फिर 2 tail। अब क्या करेंगे? अब 1 head 1 tail चलेगा, 1 head 1 tail, 1 head 1 tail, 1 head 1 tail, 1 head और 1 tail। तो कितने आउटकम हो गए? ये इसके 8 आउटकम है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। अगर अगर यहां पर 4 ये हो जाए तो 16 हो जाएंगे। 16 को कैसे बनाओगे? 8 head 8 tail, फिर 4 head 4 tail, फिर 2 head 2 tail, ऐसी बनेगा ही है ना, ऐसे बनता है, ध्यान रखना। 4 वाला नहीं है तुमको क्वेश्चन, तुमको 4 वाला क्वेश्चन नहीं है। तो देखो ये यहां बन गया ऐसा है ना, HT HS HT TH TT HH HT, ऐसा। अब ये तुमको याद नहीं रहेगा, पागल हो जाओगे, गलती करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे बताना। फिर एक कॉइन का होगा, एक डाई का 1 2 3 4 5 6 होगा। दो कॉइन में कैसा? पहले पे एक, दूसरे पे भी एक है ना। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का भी तरीका समझ लो, इसको बनाने का तरीका भी सिंपल है। कैसे बनाओगे? कि 2 dice फेंके 2 dice है ना, 1 die का तो ठीक है, कि 1 die का क्या होगा? एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन 2 का होगा तो कैसे करेंगे? तो पहले लिखेंगे 1 है ना, फिर यहां जगह छोड़ दो, फिर यहां करेंगे 1, फिर जगह छोड़ दो, फिर यहां करेंगे 1, फिर जगह छोड़ दो, फिर यहां करेंगे 1, जगह छोड़ दो, 1 जगह छोड़ दो, 2 2 4, और ये हो गया 2 6। अब बोलोगे सर ऐसे क्या किया आपने, ऐसे क्यों किया? देखो ना, मुझे कॉपी पेस्ट करना है ना, मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं। क्या मतलब है? देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आएगा पहले पे 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 का हो गया, तीसरे का 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ज्यादा 3 5 मत करना है ना, फिर होगा 4 1, फिर होगा 4 2, फिर होगा 4 3, फिर होगा 4 4, फिर होगा 4 5, और फिर होगा 4 6, फिर 5 से शुरू करो, फिर होगा 5 1, फिर होगा 5 2, फिर होगा 5 3, फिर होगा 5 4, फिर होगा 5 5, फिर होगा 5 6, फिर होगा 6 1, फिर होगा 6 2, फिर होगा 6 3, फिर होगा 6 4, फिर होगा 6 5, और फिर होगा 6 6। हो गया, खत्म हो गया, बात खत्म। ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बन के रखा है, ये सारे ऐसे बन के रखे। अब आउटपुट देखना अपने को, अपने क्या देखना है? अब अपने को आउटकम देखना, कैसे आउटकम देखेंगे? देखिए कितने हैं, ये 2 एलिमेंट है, यहां कितने हैं? 1 2 3 4, यहां कितने हो गए? 4। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सैंपल पॉइंट 8 हो गए। 6 है तो यहां 6 हो गया, यहां टोटली 36 हो गए, तो 36 है, यहां 52 है। ठीक है, ये टेबल एक्टिविटी है, ये हमारी बुक की, दिस इज द एक्टिविटी है ना, ये हमारी बुक की एक्टिविटी है।
लेकिन ये एग्जाम में पूछेंगे नहीं है, तुमको समझाने के लिए, इट इज टू एक्सप्लेन यू द बेसिक थिंग। एक मार्चा क्वेश्चन साठी एवरा लॉन्ग आंसर असा जस्त बेटा। और ये ऐसा नहीं पूछेगा, ये ऐसा नहीं पूछेगा, इसमें ये ऐसा पूछेगा लाइक ये देखो, ये देख रखा ना, इसमें बोलेगा कि भैया ऐसी चीजें जिनका सम 5 आ जाए, तो सम देखो कैसे पकड़ना, ये दो सम वाले ये है ना, ये जो है ना दो सम वाले, ये दो सम वाला है, तीन जिनका सम हो ये होते हैं, जिनका सम 4 हो ये होते हैं, जिनका सम 5 हो वो ये होते हैं, जिनका सम 6 हो वो ये होते हैं, जिनका सम 7 हो वो ये होते हैं, जिनका सम 8 हो वो ये होते हैं, जिनका सम 9 हो वो ये होते हैं, जिनका सम 10 हो ये होते हैं, जिनका सम 11 हो ये होते हैं, जिसका सम 12 हो ये होते हैं, सम वाले। आपको ये पूछ सकता है दोनों प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर कौन से कौन से, तो पहली लाइन में नहीं आएगा, ये देखो ये प्राइम है ना, दोनों प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, फिर ये भी प्राइम है, फिर ये भी प्राइम है, फिर ये भी प्राइम है, चार में कोई भी नहीं है, ये दोनों प्राइम है ना, ये दोनों भी प्राइम है, फिर ये दोनों भी प्राइम है, फिर इधर कोई नहीं है, तो कितने हो गई है, कितने हो गए, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये सब प्राइम है। फिर बोले कंपोजिट है, तो टोटल 36 में से 9 अगर प्राइम है तो कंपोजिट वाले पेयर क्या हो गए, वो अलग होंगे है ना, उन दोनों का सम डुप्लेट, डुप्लेट बोलते हैं डुप्लेट, ये जो है डुप्लेट है, ये कौन से, ये देखो ये डुप्लेट है, डुप्लेट डुप्लेट मतलब दोनों के दोनों में सेम सेम नंबर, दोनों का सेम सेम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको डुप्लेट बोलते हैं, डबल रोल होता है, डुप्लेट डुप्लेट घर होते हैं है ना। ऐसा बोले सम, सम जो है वो एटलीस्ट, ऐसा शब्द आया कि सम जो है, अरे यार ये क्या लिख रहा हूं मैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सम जो है वो एटलीस्ट 10 आए, एटलीस्ट 10 आए मतलब 10 से बड़ा सम भी चलेगा, तो ऐसे केस के अंदर आपको कम से कम 10 सम आना चाहिए और 10 से ज्यादा भी चलेगा, तो आपको ये सब एलिमेंट लेना पड़ेंगे, ये 10 ये 10 ये 10 ये 11 11 12 12 एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब इससे ज्यादा चलता है, और अगर एटमोस्ट बोला, एटमोस्ट एटमोस्ट 10 बोला है, तो फिर उस केस के अंदर, उस एटमोस्ट के अंदर एटमोस्ट 10 बोला, तो 10 में एटमोस्ट बोल के ये पूरे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बोला है तो ये इतने आएंगे, एटलीस्ट और एटमोस्ट में फर्क समझ लो, एटलीस्ट मतलब कम से कम 10, ज्यादा ज्यादा आने दो, और मतलब एटमोस्ट 10, तो फिर उसके पहले के सब आएंगे, 10 के पहले 9 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 नहीं होता, 2 ही होता है, ऐसा है। बढ़ते आगे, अब जाना भाई आगे जाना, अब क्या लगा तेरे को, हाँ रिमेंबर दिस सैंपल स्पेस फॉर द कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, देखो एक कॉइन को आप दो बार फेंको या दो कॉइन को एक बार फेंको, बात एक ही है, मतलब आप एक कॉइन को दो बार फेंकोगे तो आउटपुट क्या आएगा, HH HT TH TT, ये मुझे याद है इसके लिए लिखा है मैंने, लेकिन आप हमेशा कैसे लिखोगे, आपको तरीका सिखाया भाई, दो कॉइन फेंके तो आउटपुट कितना होगा, 2 पावर 2 मतलब 4, तो दो बार H लिखेंगे, दो बार T लिखेंगे, फिर एक बार H एक बार T, एक बार H एक बार T, ऐसा होता ही, ठीक है। तो द सैंपल स्पेस ऑफ अ कॉइन टॉस्ड twice is same as that of the two coins tossed simultaneously. Sample space of a die rolled twice is same as two dice rolled simultaneously. दो डाई फेंकी, एक डाई फेंकी, बात एक ही है ना, आउटपुट एक जैसे ही आता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.2 5.2 आ गया, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस, इसमें सिर्फ आपको सैंपल स्पेस लिखना है और सैंपल पॉइंट लिखना है, मतलब जैसे जैसे मैंने दो कॉइन फेंके तो सैंपल स्पेस क्या, एक कॉइन फेंका तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, एच टी आएगा, और इसका सैंपल पॉइंट क्या होगा, ये होंगे इसके सैंपल पॉइंट्स, दैट इज ऑल, इतना लिखना है, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं है, चिंदी सवाल है। पहला क्वेश्चन, वन कॉइन एंड वन डाई, एक कॉइन और एक डाई फेंका, या देखो एक कॉइन है और एक डाई है, अगर मैं डाई डाई की बात करूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, अब मुझे एक कॉइन भी है तो यार मेरा एक बार क्या होगा, एक बार एच के साथ 1 आएगा, फिर एच के साथ 2 आएगा, फिर एच के साथ 3 आएगा, फिर H के साथ 4 आएगा, फिर H के साथ 5 आएगा, और H के साथ 6 आएगा, अब टेल के साथ 1 आएगा, टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3 आएगा,
टेल के साथ 4 आएगा, टेल के साथ 5 आएगा, टेल के साथ 6 आएगा, तो मेरे आउटपुट कितने हो गए, मेरे आउटपुट कितने हो गए, ये सब सैंपल स्पेस है, इसको एस बराबर ऐसा ब्रैकेट में लिख देना, ये आउटपुट कितने 12 है, कितने ये 12 है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं और तुमको सिंपल तरीके से बता देता हूं। देखो ये आ गया पूरा, टोटल कितने हो गए 12, छापा हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं सैंपल स्पेस, अगला क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, 2-digit नंबर आर फॉर्म यूजिंग 235 विदाउट रिपीटिंग, 235 बनाना है। तो देखो मेरे पास क्या क्या नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 अगर मैं लेता हूं तो 2-3 ये 2-digit नंबर और 2-5 ये हो गया, फिर 3-2, 3-5, फिर 5-2, 5-3, तो कितने बन गए ये 6 एलिमेंट्स बन गए, ये 3-digit रिपीट भी करना है विदाउट रिपीटिंग बोला है, अगर रिपीट बोलते ना तो फिर अपन 2-2 भी लेते हैं, 3-3 भी लेते हैं और 5-5 भी लेते हैं, लेकिन विदाउट रिपीटिंग बोला है तो नहीं लेंगे उसको, ये हो गया ऐसा, तो कितने 6 है ये, देखो 6 थे वो, हो गया खत्म। बढ़ते आगे, ये बोलता है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 ओके फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 वाली डेट कौन सी है, तो मल्टीपल ऑफ 5 की डेट जो है अपन उसको निकालते हैं, 5 का टेबल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 37, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 6 है, सैंपल स्पेस क्या होगा 6 होगा, और सैंपल स्पेस में क्या होगा 5 10 15 20 25 30, और सैंपल पॉइंट क्या होगा 6 होगा, हो गया खत्म। देखो 5 10 15 20 25 30, और ये क्या बोल रहा है, इसमें पूछता है ये डेज पूछ रहा है, डेज फाइंड द डेज ऑन दिस, तो डेज तो यहां कितना था, ट्यूजडे था तो पहला ट्यूजडे, यहां वेंसडे था तो वेंसडे है ना, यहां फ्राइडे था, यहां सैटरडे था, यहां संडे था, यहां मंडे था, 6 है, ट्यूजडे नहीं था, सॉरी थर्सडे नहीं था, ट्यूजडे ऐसा बोल सकते, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे, दैट्स इट, 6 दिन हो गए। एनी डाउट, सबको समझ में आ रहा है, जैसी उपजा जब कराऊंगा तब और एक बार बता दूंगा, जब बताऊंगा ना हेड का तब फिर से बता दूंगा एक बार। अब देखो रोड सेफ्टी के लिए 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की टीम बनी है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी बाय राइटिंग दिस, सबसे पहले आपको इसको बनाना है, ये क्या बोलता है, फॉर द रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टेकन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, तो 2 बॉयज की कमिटी क्या होगा, B1 B2 होगा, 2 बॉयज की कमिटी क्या होगी, 2 बॉयज की कमिटी क्या होगी, एक मिनट रुकना इसको हटा देता हूं मैं ऐसे, दो बॉयज की कमिटी क्या होगी, B1 B2, 2 बॉयज है, और गर्ल्स का क्या होगा, G1 G2, 2 गर्ल्स अगर बोल रहा है तो G1 G2। अभी क्या बोल रहा है, कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, तो 1 बॉय 1 गर्ल, देखो मेरे पास क्या है, B1 है, B2 है, G1 है, G2 है, तो B1 G1, B1 G2, B1 G1, B1 G2, फिर B2 G1, B2 G2, B2 G1 और B2 G2, और टोटल सैंपल स्पेस में सबके सब आ जाएंगे, दोनों भी और ये भी, तो सैंपल स्पेस आ गया, हो गया खत्म। चिंदी सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है, तो अच्छे से करो बिल्कुल बिना डरे बिना थके, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, चेक योर ग्राफ, चलो चेक करते हैं क्या दिमाग चल रहा है। एनी वन डे ऑफ 2020 इज सेलेक्टेड, फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कोई भी एक दिन सेलेक्ट किया है, कोई भी एक दिन सेलेक्ट किया है, बताओ कितने दिन होंगे। 2020 एक लीप ईयर है या नॉट लीप ईयर है, 2020 को 4 से डिवाइड करो, इट विल बी डिविजिबल ना, 505 आएगा, मतलब 2020 डिवाइड हो जा रहा है किससे, 4 से, मतलब लीप ईयर है, लीप ईयर है तो दिन कितने होंगे, 366, खत्म हो गई बात, है ना, और तो कुछ भी नहीं है। ये कहां से आ गया वायरस प्रोटेक्शन, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंट, ये लीप ईयर है तो इतने दिन होंगे। व्हेन अ डाई इज थ्रोन द नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस, 6 होंगे, क्या क्या होंगे वो, 1 2 3 4 5 6, चिंदी बात है। आगे बढ़ते हैं, 1 कॉइन एंड 1 डाई, अभी किया था 1 कॉइन 1 डाई, 12 आउटपुट आते हैं, अभी किया अपन ने थोड़ी देर पहले, ये 12 आउटपुट आ गए, है ना। बढ़ते हैं आगे, चलो
स्टेट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि भाई साहब ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इफ टू डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 047 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट एनएस इज एट, देखो आठ कैसे होगा देखते हैं। मेरे पास में जीरो है, चार है, सात है, मैं 40 बना सकता हूं, मैं 70 बना सकता हूं, 40 बना सकता हूं, 47 बना सकता हूं और 74 बना सकता हूं। जीरो से तो बनेगा नहीं विदाउट रिपीटिंग बोला है, एनएस एट कैसे आएगा यार, फॉल्स है, चार ही आएगा ना। देखो चार आ रहे अपने, चार थे है ना, चार आएंगे आठ भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, टू डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, तो पांच है ये विदाउट रिपीटिंग, विथ रिपीटिंग बोला है, तो कितना होगा ये ऐसा होगा, इसको कैसे बनाएंगे, ये 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ये कितने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए, तो 6 इससे बनेंगे, 6 से बनेंगे, 6 से बनेंगे, 6 से बनेंगे, तो 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 25, 30 बनेंगे, 30 है, सही है, करेक्ट है, ये देखो 30 हो गया, करेक्ट है ना, ऐसा 10, 11, 12 फिर किसके बाद में क्या करेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25 फिर 30, 31, 32, 33, 34, 35 फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45 फिर 50, 51, 52, 53, 54, 55 है ना, ज्यादा काम आलो बरोबर। बढ़ते आगे, सोपे सोपे प्रश्न आहेत, पण आता पुढचा प्रश्न करण्याच्या आधी मी तुम्हाला नेऊन घेतो कुठेतरी दुसऱ्या ठिकाणी, मी तुम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जातो, इसको करो कैंसल, डिस्कार्ड, और लेके चलता हूं मैं तुमको इधर 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 और इधर, खुल जा सिम सिम, ठीक है, नहीं खुलेगा ये नहीं खुलेगा, जाने दो, बाद में बात करेंगे। यहां आते हैं, ये लास्ट 2022 में क्वेश्चन आया कि टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, सैंपल स्पेस लिखो, HH, ST, TH, TT, खत्म, चिंदी बात है, ये आ चुका है एक मार्क में, एक मार्क का क्वेश्चन, एक मार्क मिल जाएगा तुमको ऐसे करोगे तो। फॉर द फॉलोइंग, ये दो मार्क का है, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, टू डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म यूजिंग 235, अभी किया था विदाउट रिपीटिंग, तो 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5 और 5, 2, 5, 3, तो ये कितने हो गए 6 हो गए, दो मार्क के, ये अभी अपन ने किया था है ना। आगे बढ़ते हैं, इवेंट क्या होता है, अब इवेंट मतलब जैसे यूट्यूब इवेंट ऑर्गेनाइज करता है वैसे नहीं, सिंपल है ना, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सोपा है ना, एकदम सोपा आहे। एक मिनट, एक मिनट थांबा रे भाऊ, काय लावलं ही, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो क्या है, इवेंट क्या होता है कि आउटकम सेटिस्फाइंग द पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड अ फेवरेबल आउटकम। जो देखो जो आउटकम होते हैं, जो आउटकम होते हैं, जो आउटकम होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं पर्टिकुलर कंडीशन को, तो उनको फेवरेबल आउटकम कहते हैं। जैसे क्या, जैसे मैंने डाय फेंका तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैं बोलूं कि मुझे ना मुझे इवन नंबर ही चाहिए, तो इवन नंबर चाहिए के लिए मैं इवेंट ए लिख देता हूं कि इवन नंबर चाहिए, तो होगा 2, 4, 6। मैं बोलता हूं नहीं यार मुझे इवन नंबर नहीं, मुझे तो ऑड चाहिए, तो इवेंट बी जो है ऑड चाहिए, 1, 3, 5। मैं बोला नहीं यार ए ऑड इवन नहीं, मेरे को दूसरा बनाना है सिर्फ प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5। बोलो ऑनली कंपोजिट नंबर, देखो ये प्राइम है 2, 3, 5, प्राइम मतलब जिसको खुद से डिवाइड जाता, जिसके टेबल में वही आता, एक के टेबल में एक को छोड़ देगा, दो के टेबल में दो ही आता, तीन के टेबल में तीन आता, तीन एक के टेबल में आता लेकिन छोड़ दो, दो के टेबल में आता कि नहीं आता, जो खुद के टेबल में आता है एक को छोड़ के, जो खुद के टेबल में आ जाए एक को छोड़ के, वो क्या होता है, वो प्राइम होता है, तो ये प्राइम के लिए। और कंपोजिट क्या होता है, वो अपने पहले से डिवाइड हो जाता है, जैसे 4, 5, 4 और 6, वो क्या होगा 4 और 6, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम इन द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवन। ये देखो फेवरेबल आउटकम का ये सेट है, तो ये इवेंट हो गया, एक ए इवेंट, बी इवेंट, सी इवेंट, इसको अपन कैपिटल लेटर से ये करते हैं,
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एबीसी। देखो एस नहीं है, एस नहीं लेना है, इसको छोड़ के लेना है। और यहां पर जो है इसको जो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको एन से इंडिकेट किया जाता है। देखो पहली एक्सरसाइज में तुमको पॉसिबिलिटीज सिखाई, दूसरी एक्सरसाइज में तुमको सैंपल स्पेस सिखाया, तीसरी एक्सरसाइज में तुमको इवेंट सिखाएंगे और इवेंट का नंबर ऑफ इवेंट सिखाएंगे, उसके जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सिखाएंगे, और चौथे में क्या करेंगे जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो फेवरेबल आउटकम्स है, उन फेवरेबल आउटकम्स को आपको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देना है। तो आपको उस सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देना है तब आपको मिलेगी प्रोबेबिलिटी। ये अपन आखिरी एक्सरसाइज में करेंगे, ये आखिरी एक्सरसाइज में करेंगे। मतलब देखो एक एक चीज सिखा रहे हो तुमको, बढ़ते आगे। नोट दैट क्या है, इवेंट ऑफ अ सबसेट, इवेंट जो होता है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। देखो दो चार छह इसका सबसेट है, दो चार छह यहां भी है। देखो एक तीन पांच इसका सबसेट है बिल्कुल, तीन दो पांच यहां पर है, चार छह यहां पर है, तो सब सबसेट है, सारे के सारे सबसेट है। आगे बढ़ते हैं। ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ कॉइन टॉस, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड कौन सा है, तो ये एच होगा सिर्फ, तो एन ए क्या होगा, एन ए वन होगा। टेल बोलेंगे तो टेल का भी वही आएगा, है ना, वैसे ही आएगा। ए इवेंट गेटिंग द ऑड नंबर ऑन द डाई, ये ऑड नंबर ऑन द डाई, ये अपन ने करके रखा है, ये वाला करके रखा है अपन ने, ये वही है, ये वही तो है, और क्या है ना। चलो बढ़ते आगे। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, अब इवेंट्स के प्रकार क्या होते हैं, है ना, इवेंट्स के प्रकार क्या होते हैं, यूट्यूब का इवेंट, अनअकैडमी का इवेंट, है ना, किसी और का इवेंट, इसका इवेंट, उसका, वो इवेंट नहीं, प्रोबेबिलिटी के इवेंट अलग होते हैं, ठीक है, नहीं तो तुम इसके इवेंट लगा दो यहां। तो पहला इवेंट होता है सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। श्योर इवेंट पता है तुमको क्या होता है, श्योर इवेंट पता है तुमको, श्योर इवेंट्स, देखो श्योर इवेंट्स की एक बात बताता हूं मैं तुमको, जैसे ये श्योर इवेंट वाले है ना, ये दोनों दोस्त क्या थे, ये श्योर इवेंट वाले थे, कौन थे ये दोनों, हु आर दे, सेलेक्ट करो ऐसे और उसको पकड़ के खींच लो, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अरे अंडू किधर है, अंडू किधर है, कंट्रोल जेड, फिर से इसको बड़ा करते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, तो पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, फिर मैं वापस से इसको सेलेक्ट करता हूं और अब मैं इसको बड़ा करता हूं। तो ये जो जय वीरू जो थे ना, ये जय वीरू, इस ये मूवी के अंदर एक कॉइन यूज कर रहे थे, कॉइन पता है तुमको, कॉइन, तो जब भी जय कॉइन करता था हमेशा जय ही जीतता था, वीरू हमेशा हारता था। बाद में पता चला कि दोनों साइड एक ही लगा के रखा था भाई ने, बहुत चालू चीज थी, है ना, वैसे दोनों चालू थे पिक्चर के अंदर, ये कुछ कम चालू नहीं था, है ना, ये बसंती के लिए गाने गा रहे, बसंती इन कुत्तों की सामने मत नाचना, और ये गब्बर सिंह से लड़ गए भैया, अकेले मर गए, पुलवा पे बॉम्ब वॉम लगा के उड़ गए खुद ही, और बता दिया दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, है ना, ऐसे मूवीज में ही मिलते हैं ऐसे दोस्त, रियल लाइफ में लिमिटेड लोगों को ही अच्छे दोस्त मिलते हैं। मैं नसीबवान हूं, मेरे को अच्छे दोस्त मिले दो, मेरे पास दो नहीं तीन है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना। तो ये ऐसी दोस्ती फिल्मों में होती है, पर ये देखो तुम बढ़िया, ये गाड़ी चला रहा है, बैठ रहा है, गाना गा रहा है ना, और बहुत एक से एक, मतलब इन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे मूवीज दिए, ये बड़ी हिट मूवी थी अपने जमाने की। तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, है ना, इसको मैं कर देता हूं बंद। तो भैया इनके पास में जो कॉइन था ना, वो बायस्ड कॉइन था, वो जो कॉइन था ना इनके पास में, ये साहब के पास में जो कॉइन था ना, वो कॉइन कैसा था, वो बायस्ड कॉइन था, बायस्ड ऐसा लिखते हैं, बायस्ड कॉइन था वो, मतलब इन्होंने उसमें हेर फेर करके रखी थी। चलो बढ़ते हैं आगे। मेरा गम मेरी जान, डोंट सेव। तो भैया यहां आ जाते हैं अब, तो इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स में श्योर इवेंट्स, अब जैसे भाई साहब ने वो करके रखा था, भाई साहब ने बायस करके रखा था, श्योर था कि हेड ही आएगा, तो जब पक्का होगी यही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, जब जिसको पता हो
कि भैया इसमें तो आउटपुट यही आने वाला है ना, श्योर इवेंट होता है ना, कि सर्टेन इवेंट, एन इवेंट विच कंटेन्स ऑल द सैंपल स्पेस, ऑल द सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट, सैंपल स्पेस इज सर्टेन, फिक्स होता है, यही आएगा आगे। इम्पॉसिबल इवेंट, अब जैसे मैं बोलू इम्पॉसिबल कैसे, भैया मैंने डाइस फेंका और उसमें 10 निकला है, कहां से निकलेगा, डाइस में 1 से 6 नंबर होते हैं, 10 आएंगे क्या? हाँ, तुम्हारे घर में तुमको तुम्हारा दोस्त निकल मिलने आया, या तुम तुम्हारे दोस्त के घर पे गए, तुम तुम्हारे दोस्त के घर पे तुम्हारे दोस्त को मिलने गए, पता चला तुमने दरवाजा खोला और सामने आलिया भट्ट खड़ी है, आईला, ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल इवेंट है वो, वैसे इम्पॉसिबल इवेंट है, डायस फेंका तो बोले 10 आ जाए, 7 आ जाए, कहां से आएगा, 1 से 6 ही होता है, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है विच डज नॉट कंटेन एनी सैंपल स्पेस, है ना, उसका पॉसिबल ही नहीं होता है, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट वो होता है कि एन इवेंट कंसिस्टिंग ओनली वन सैंपल पॉइंट, सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो, जिसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट हो, तो वो एलिमेंट्री इवेंट होता है या सिंपल इवेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो जैसे मैंने एस लिया है, मैंने डाई को फेंका, फिर मैंने एक इवेंट ले लिया कि ये इवन नंबर हो, तो 2, 4, 6, और दूसरा भी इवेंट ले लिया मैंने 1, 3, 5 ऑड नंबर का। देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना, ए और बी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट सेट पता था ना तुमको, भाई एस के अंदर ए को छोड़ के जो है वो तो वो ये है, और एस के अंदर इनको छोड़ के जो है वो तो वो ये है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, इसको छोड़ के ये और उसको छोड़ के ये। और अगला वाला क्या होता है, अगला वाला होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होता है, देखो जो पहला वाला किया ना हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो फाई होता है, और एलिमेंट्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि दोनों इवेंट को मिला दूं मैं, इन दोनों का अगर मैं ये निकाल लूं, यूनियन निकाल लूं, तो वो एस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, और ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन पढ़ो, कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, लेट ए बी द एलिमेंट, ए बी द एन इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एस, देन सेट ऑफ ऑल दो सैंपल पॉइंट विच आर इन एस बट नॉट इन ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए। और ये क्या होगा, द सैंपल सॉरी एस बी द सैंपल स्पेस एंड ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ द एस, देन इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड दे डू नॉट हैव एनी सैंपल पॉइंट इन कॉमन। देखो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहां पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, और इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। बहुत कमाल की चीज है, एग्जॉस्टिव इवेंट बता के रखा, दोनों का सम निकल गया, ऐसा ये एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक दूसरे के वो लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ही लेंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ये वाला जो है एग्जॉस्टिव ही ये वाला है, है ना। मैंने ये जो पहले बताया कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वही है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये, और इनको ही हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, ये दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही होता है। राइट सैंपल स्पेस एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन एस एंड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, राइट ए बी सी एज द इवेंट एंड ऑल्सो राइट एन ए एन बी एन सी, मतलब जो इवेंट हो गया उसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट है वो। जैसे देखो वन डाई इज रोल्ड, इवन नंबर, वन डाई रोल किया तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, तो इवन नंबर आएगा, तो एक इवन नंबर आएगा तो क्या होगा, ये टोटल एन एस 6 हो गया, इवन नंबर के लिए क्या होगा, 2, 4, 6, इसका एन ए कितना आएगा, 3 आएगा, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ। दूसरा ऑड, तो ऑड क्या होगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5 कितना है, 3 है। फिर क्या बोलता है, प्राइम नंबर, वो क्या है, 2, 3, 5, ये अपन ने सब कर लिए, ये पूरे अपन ने कर लिए, ये ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो नया कुछ नहीं है इसमें,
बढ़ते हैं आगे, टू डाइस फेंकी, टू डाइस फेंकी तो फिर बनाना पड़ेगा एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, तो पहले वो लिख लो, 36 होंगे वो, ये 36 ऐसा हर बार लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, बिना लिखे होगा नहीं। ओके, पहली बात क्या बोलता था, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 हो तो 6 क्या क्या है देखो, मल्टीपल ऑफ 6 तो 6 हो जाए, 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, ये भी 6 एकम 6 है, ये भी 6 एकम 6 है, ये भी 6 एकम 6 है, और ये भी 6 एकम 6, कितने ये 1 2 3 4 5 6 6 है, तो ये इसका एन ए क्या हो जाएगा, एन ए 6 हो जाएगा, एन ए लिखेंगे पहले ए लिखेंगे, ए के अंदर ये लिखेंगे और एन ए है ना, एन ए आएगा 6, देखो ये आ गया 6, ऐसा हो गया, देखो 1 5 2 4 3 3 4 2 ये हो गया। अगला वाला क्या बोल रहा है, अगला वाला क्या बोल रहा है, अगला वाला भाई साहब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10, मिनिमम 10 मतलब इससे ज्यादा चलेगा, मिनिमम 10, तो मिनिमम 10 वाला ये है 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी चलेगा 10, मिनिमम 10 या एटलीस्ट 10, इसकी जगह अगर ऐसा शब्द होता ना कि एटलीस्ट 10, तब भी हम 10 11 12 तीनों लेते, कितने ये 1 2 3 4 5 6 6 है, तो ये भी 6 ही आएगा, देख लो चेक कर लो, ये देखो 6 आ गया, 4 6 5 5 5 6 और ये दोनों हो गया 6 हो गया। अगला वाला देखते हैं, फिर अगला वाला देखते हैं, द सेम डिजिट ऑन द बोथ साइड, सेम डिजिट ऑन द बोथ साइड, तो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसको डुप्लेट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट भी बोलते हैं। चलो चेक कर लो, ये देखो डुप्लेट, एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह हो गया, छह खत्म हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। तीसरा ले लिया डायरेक्ट, टू कॉइंस, थ्री कॉइंस फेंक रहा है, तो थ्री कॉइंस का आउटकम क्या हो गया, मैंने कैसा सिखाया था, थ्री कॉइंस का आउटकम, तो थ्री कॉइंस मतलब 2 पावर 3, थ्री कॉइंस का आउटकम, थ्री कॉइंस का आउटकम मैंने कैसे लिखे थे, कैसे बताए थे, तो थ्री कॉइंस, कॉइंस मतलब 2 पावर 3, तो ये 8 हो गया, तो 4 बार H, देखो ध्यान से 8 का आधा 4 बार H, 4 बार H और 4 बार 10, फिर 2 बार H, फिर 2 बार 10, फिर 2 बार H, फिर 2 बार 10, फिर 1 बार H, फिर 10, फिर H, फिर 10, फिर H, फिर 10, फिर H, फिर 10, और ये हो गए टोटल 8, वही आएंगे यहां पर, देखो ये 8 आ गए, क्या बोल, एटलीस्ट 2 एड, एटलीस्ट 2 एड मतलब 2 से ज्यादा चलेंगे, 2 भी चलेंगे और 2 से ज्यादा भी चलेंगे, 2 हेड, 2 से ज्यादा एटलीस्ट बोला तो 2 से ज्यादा भी चलेंगे, तो ये भी चलेगा, यहां 2 भी चलेंगे, यहां भी 2 हेड है, यहां भी 2 हेड, ये नहीं आएगा, तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो आंसर इसका 4 आएगा, HHH HTH THH और HST 4 हो गए। अगला क्या बोलता है, टू गेट नो हेड, नो हेड वाला सिर्फ ये है, नो हेड अगर बोले तो सिर्फ ये अकेला है, नो हेड मतलब सब टेल हो जाए, तो इसका जो सेट बी आएगा उसके अंदर TTT लिखेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, तो ये एलिमेंट्री इवेंट हो गया ना, ये अकेला अकेला जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ये एलिमेंट्री इवेंट हो गया ना, एक आया ना, ये ना, ओके। अगला क्या बोलता है, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन के ऊपर हेड मिलना है, सेकंड कॉइन के ऊपर, टू गेट हेड ऑन द सेकंड, सेकंड पे हेड, सेकंड पे हेड यहां है, सेकंड पे हेड यहां है, सेकंड पे हेड यहां है, सेकंड पे हेड, कितने हो गए 1 2 3 4, देखो ये 4 हो गए, ये 4 लिख दिए, 4 है, खत्म हो गई बात, है जी सिंपल, बहुत सिंपल है। मैंने ये क्यों, ये प्रेजेंटेशन पे इसलिए ले लिया मैंने आज, कि बेटा ये फटाफट हो जाएगा, सिंपल भी है, 1 मिलियन जल्दी से हो जाएंगे, जल्दी से सब लोग पवन वाइगर में चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं मिलियन पे जाना है भाई, है ना, 26 जनवरी के पहले हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, 26 जनवरी के पहले होना चाहिए, तुम लोग डिसाइड करोगे तो 26 जनवरी के पहले मिलियन हो जाएगा, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि सब लोग 5-5 लोगों को सब्सक्राइब या 10-10 लोगों को सब्सक्राइब करवाओगे, हम जल्दी से मिलियन पे पहुंच जाएंगे। आज तुमच्या मुळे जेवटेचा पेपर इजी गेला। चलो बढ़ते आगे, अगला वाला, फ्रॉम 3 men and 2 women कमिटी ऑफ द 2% इज फॉर्म्ड, ओके
देयर मस्ट बी एटलीस्ट, तीन आदमी हैं और दो औरतें हैं, तो M1, M2, M3, W1, W2, उनको जोड़ी बना दी ऐसी, M1, M2, M1, M3, M1, M1, W, तो बनाओगे कैसे? तो ऐसे लिख लेना पहले कि M1, M2, देखो ऐसे लिखो, M1, M2, M3, W1, W2, तो बनाते समय पहले M1 को लिया, तो M1, M2, M1, M3, M1, W1, M1, W2, फिर M2, 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 M1 नहीं लेंगे फिर वापस, क्योंकि M2, M1 ऑलरेडी हो चुका है, उसको लेना ही नहीं है, M2, M1 छोड़ देंगे, फिर M2, M3, M, M2, W1 और M2, W2, फिर M3 का लेंगे, इसके साथ इन दोनों के साथ हो गया है, इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ, फिर W1, W2, ऐसे इनको जोड़ेंगे, तो कितने आएंगे, 10 ही है ना, कितने हो गए, 10 हो गए। अब क्या बोलता है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वोमन, एटलीस्ट वन वोमन बोली है, तो वन से ज्यादा भी चलेगी, तो वन वाला एक, वन 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 और वन, वन वोमेन आ रही है, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात दिख रहा है, देखो सात आ रहा है क्या, सात हो गया। फिर बोलता है दूसरा वाला, वन मैन एंड वन वोमेन वुमेन कमेटी, तो वन मैन और वन वोमेन यही है, वन मैन एंड वन वोमेन कमेटी टू बी फॉर्म्ड, ये वही है। अरे एक वोमेन बोली तो एक वोमेन, अच्छा इसमें अंदर ये वाला कम हो जाएगा, ये W1 W2 कम हो जाएगा, बाकी छह आ जाएंगे, ये छह आ गए। और तीसरा क्या है, देयर शुड बी नॉट वुमन मेंबर, तो नॉट वुमन मेंबर इसमें आएंगे दोनों में, ये नॉट वुमन मेंबर है, M1 M2, M1 M2, अच्छा ये भी बचा है एक, हाँ M1 M2, M1 M3 और M2 M3, ऐसा तीनों में होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, टू डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म विद द डिजिट, यह भी अपने किया था, कितने बनेंगे विदाउट रिपीटेशन, द नंबर इज कितना होगा, दो होगा, कैसे कैसे होगा, विदाउट रिपीटेशन, वाई क्या बोल रहा है, वाई इवेंट क्या बोलता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, तो यार अगर मैं 10 बनाऊ तो 10 बनेगा, एक तो 20 बनेगा, एक 21 बनेगा, एक 12 बनेगा, और डिविजिबल बाय 3 बोल रहा है, तो डिविजिबल बाय 3 क्या है, 21 भी है और 12 भी है, तो दो ही एलिमेंट होंगे, देखो 21 12 हो गया, दो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं अगला वाला, वन डाइज रोल्ड, वाई क्या है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो एन वाई 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है यार, तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक तीन पांच है ना, आगे बढ़ते हैं, थ्री कॉइन्स फेंके हैं, थ्री कॉइन्स के लिए चार बार एच चार बार टी, दो बार एच दो बार टी, तीन जब तीन हो तो ऐसा रूल लगता है, एनजेड कितना होगा, टू गेट टेल ऑन द थर्ड कॉइन, थर्ड कॉइन के ऊपर टेल आना चाहिए, थर्ड कॉइन के ऊपर टेल आना चाहिए, एक ये एक ये दो ये तीन चार, ऐसे चार केस है, ट्रू फॉल्स बताना है कि स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा, देर आर 20 टिकट्स, 20 टिकट है, एक से 20 तक लिखा है और वो बॉक्स में डाल के रखे है, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट डब्बे में से निकाला है, एक्स इज द इवेंट दैट द नंबर ऑफ द टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर, मुझे बताओ एक से 20 के बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, एक है चार है नौ है और 16 है, तो परफेक्ट स्क्वायर चार है, तो चार ही आएंगे उसके अंदर, जेड के अंदर, ये देखो ये बोल रहा पांच होना चाहिए, पांच कहां से होगा, वो तो चार है, वो तो चार है ना, देखो चार आए, एक चार नौ छह, परफेक्ट स्क्वायर क्या, किसी का कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा ना, हेलो बेटा हेलो, एक मिनट हुआ मुझे थोड़ा सा, लेट मी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, कितना टाइम हो गया, एक घंटा हो गया, पता नहीं चलता है टाइम का, एक मिनट रुको बेटा मैं जरा पानी पी के आता हूं, सिर्फ एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना,
हेलो 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 हाँ बढ़ते आगे। थोड़ा सा क्या होता है, प्यास लग जाती कभी कभी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो ये हमारे ऑफिस का नंबर है, यहाँ मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। मतलब मुझसे बात नहीं हो पाएगी, जो मैसेज है दे देना, ये मेरे ऑफिस के लोगों के पास होता है। चलो बढ़िया, बढ़ते आगे। देखो भाई ये क्वेश्चन है, टू कॉइंस जो है साइमल्टेनियस, तो यहां एचएच कर दो और यहां टीटी कर दो। पहली बात, टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द सैंपल स्पेस। ए इवेंट क्या हुआ, टू एटलीस्ट वन हेड, वन हेड तो ये और ये तीनों आएंगे, एचएच एसटी और ये आएगा। और दूसरा क्या है, टू गेट नो हेड, तो दोनों टेल आएगा यहां पर। और क्या इतना होगा, तुम चाहो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और वापस से फिर अपन करके देखते हैं। देखो एच एच टी टी एस टी और टी टी, दैट्स इट, यही लिखा था मैंने। दो मार्क में आया 2019 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो से तीन कॉइन के ऊपर क्वेश्चन बन, देखो तीन के ऊपर तो दो के ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा ही, दो कॉइन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही है ना, ध्यान रखना। बॉक्स कंटेंट्स 20 कार्ड्स, 1 से 20 तक कार्ड है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 1 से लेके 20 तक के नंबर लिखे कार्ड्स के ऊपर और एक कार्ड निकाला है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द, राइट द इवेंट ए यूजिंग द नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा भाई, 1 से 20 तक कार्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल स्पेस हो जाएगा 20 तक का, और जो ए इवेंट है वो 4 का मल्टीपल है, तो 4 8 12 16 और 20, ये 5 आएंगे तो n, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसके अंदर वो आ जाएंगे, ये कितने हो गए 1 से 20 तक 20 ही होगा, ये है ना, ये हो गया खत्म। देखो खत्म हो गई बात, ये 1 से 20 तक 20 है, a वाले 5 आ जाएंगे, खत्म हो गई बात। बढ़ते आगे, पांचवा करने से पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आएगी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। देखो मैथमेटिक्स में अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो क्या होता है, इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन द नंबर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सही मायने में कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, ऐसा बोला जाता है ना। इसको अगर आप सीबीएसई की भाषा में देखो तो यहां पर ऐसा भी लिखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स, ऐसा लिखा जाता है। तो ये हालांकि लिखते हैं नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट ऑफ द इवेंट ए एंड नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस। तो ये मेन फार्मूला है, एन पी ए इक्वल्स टू, पी ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन एस, इसी का उपयोग होने वाला है, दैट्स इट। एग्जाम्पल करते हैं पहला वाला, वन डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। एक डाई फेंका तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ns क्या हो गया, ns 6 हो गया। कंपोजिट नंबर आया तो कंपोजिट नंबर लेट a ले लिया मैंने, वो क्या आएगा 4 और 6 जो किसी के टेबल में आते, तो ये कितना हो गया na, कितना हो गया na 2 हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होगा na अपॉन ns, है ना, ये 2 है और ये 6 है, 2/6 आंसर आएगा, 1/3 छपा हुआ आंसर देख लो, बहुत सिंपल है, चिंदी क्वेश्चन है। देखो ये 6 आ गया, ये a 4/6 हो गया, देखो 4/6 लिखा था मैंने, तो ये 2 हो गया, 4/6 मतलब 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी होता है, 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो 2/6 तो 1/3 आ गया, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी आर एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन एज वेल एज इन द परसेंटेज ऑल्सो। और प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है, ये कुछ चीजें समझ लो। देखो जब हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हम जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ये 0 से लेके 1 के बीच में होती है। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी कभी नहीं होती है ना, पहली बात है ना, प्रोबेबिलिटी जो होगी इज नेवर ग्रेटर देन 1, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव भी नहीं होती। आप इसको फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन में बता सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया 1/3, 1/2 ऐसे बता सकते हो। आप इसको परसेंटेज में भी बता सकते हो, आप इसको परसेंटेज में भी बता सकते हो। तो जब परसेंटेज में बताते हो तो 0% से लेकर के प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 100% तक हो सकती है। ऐसा होगा कि किसी की प्रोबेबिलिटी दी है 1/2, फिर बोले इसको एक्सप्रेस करो परसेंटेज में। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो सिंपल तरीका है कि इस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर जाएगा 50% हो जाएगा, खत्म हो गई बात। जब आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो ऐसा, और अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है ना, तो आपको क्या करना है, यहां से फ्रैक्शन से क्या कर रहे हो आप, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल रहे हो, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसके लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर ऐसा हो जाए कि कोई प्रोबेबिलिटी को आप परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो, मतलब देखे रखा है वो कि 40% है, अब आपको उसको फ्रैक्शन में चाहिए, तो 40 के अपॉन में 100 लिख दो, तो इस केस में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, ये कट गया 4/10, मतलब 2/5, ऐसा पूछ सकते हैं। आपको पॉइंट में भी लिख सकते हैं इसको, है ना, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब 2/5 को आप ऐसे लिख सकते हो 0.4, ये 2/5, ये 0.4 और 40%, ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है, ये सब समझ जाए, ये बच्चों का खेल है, पर ये पता होना चाहिए तुमको। अबे वीडियो बच्चा, वीडियो अगर ब्लर है तो तेरे को क्वालिटी सुधारना पड़ेगी ना, मेरा तो 4K चल रहा है, कितने बच्चों को वीडियो ब्लर दिख रहा है, ब्लर का ही होगा वीडियो, क्वालिटी तो देखो, 4K चल रहा है इधर, इट इज 4K अवेलेबल, देखो मैं कितने में देख रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैं कितने में देख रहा हूं, अपन मेरी क्वालिटी देखते हैं, मेरी क्वालिटी कितनी है, 720, क्लिक किया और स्पेसिफिक एडवांस पे है, देखो 2100 पे भी चल रहा है, 2160 पे, ये हो गया 4K में, अब उससे ज्यादा क्या चाहिए, 4K में कोई नहीं लाता भैया, अपन 4K में भी लाइव कर रहे हैं, समझ रहे हो, अपन 4K में भी कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, तो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, ये 0 से 1 के बीच, आए हाय, ये 0 से 1 के बीच में होती है और 0 से लेकर के 100 के बीच में होती है, ये चीज मैंने बताई है। आगे बढ़ते हैं, 2 coins are tossed, फिर से वही बात है, 2 coin अगर टॉस किया तो getting at least 1 head and no head, पहले 2 coin टॉस किया तो HH, HT, TH, TT, सैंपल स्पेस आ गया 4, है ना, सैंपल पॉइंट 4 आ गया, getting at least 1 head, 1 head मतलब ये दो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और दोनों भी चलेगा, मतलब 3 हो गए, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, ये 3 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब ये मेरे पास में कितना है, 3 है, ये मेरे पास में कितना है, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी NA/NS होगा, 3/4 हो गया। दूसरा गेटिंग नो हेड, नो हेड मतलब दोनों टेल, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी, NB/NS, 1/4, खत्म, चिंदी सवाल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, 2 डाइस फेंकी है तो 36 आउटकम आएंगे, सैंपल पॉइंट 36 होंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे 36 होंगे। ये क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, पहला इवेंट क्या बोल रहा है इसमें, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, देखो एटलीस्ट 10, ये मेरा शब्द आ गया यहां पर, अपन ने 6 निकाले थे, एटलीस्ट 10, 10 और 10 से ज्यादा भी चलेगा, एटलीस्ट में 10 से ज्यादा चलेगा, एटमोस्ट में इससे ज्यादा नहीं चलेगा। देखो तो पहले तो ये 36 हो गए, ये सब लिखना ही है अपने को, ये 36 लिख लिया पूरा, 36 आ गया। इवेंट ए क्या बताएगा, एटलीस्ट 10, तो एटलीस्ट 10 वाले कौन से, 6, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 5 और 6, 6, कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6/36 भाई, ये 6 आएंगे, ये 36 आएंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो 6/36, तो 1/6 आने वाली है प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये 6 आ गया, प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/6 आ गई इसकी, किसकी, पहले वाले इवेंट की,
पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 6 आ गई, 6 कम 6 36 झाला। दूसरा वाला कहता है सम ऑफ द अपर फेस इज 33, मुझे बताओ 33 कभी होता है क्या? मैक्सिमम 12, सम कितना हो रहा है? मैक्सिमम सम कितना होता है? 12, कम से कम एक दो होता है, दो। देखो मैंने बताया था आपको कैसे होगा, ये दो होगा, ये तीन होगा, ये चार होगा, ये पांच होगा, ये छह होगा, ये सात होगा, ये आठ होगा, ये नौ होगा, ये दस होगा, ग्यारह होगा। 33 आता है क्या सम यार? 33 आता ही नहीं है, तो ये इंपॉसिबल इवेंट है। इंपॉसिबल इवेंट का सैंपल पॉइंट, या जो इंपॉसिबल इवेंट होता है उसका सैंपल पॉइंट जीरो होता है। तो जीरो अपॉन 36 करोगे जीरो हो जाएगा, ये जीरो है, और जीरो अपॉन 36 करोगे इसको तो जीरो हो जाने वाला है, कुछ नहीं इसके अंदर, है ना, जीरो होगा ये। और आखिरी वाला क्या बोलता है कि द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द अदर डाई। ओके, तो इसको देख लेते हैं। अब एक डाई से ऊपर जो बात कर रहे हैं हम यहां पर कि डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकंड डाई, फर्स्ट डाई के ऊपर द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई के ऊपर जो डिजिट है, फर्स्ट डाई के ऊपर जो डिजिट है वो ग्रेटर है सेकंड डाई से। तो पहले वाले में बड़ा कौन कौन आ रहा है देखो जरा, ये बड़ा आ रहा है, ये छूट गया, ये बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, बाकी छूट गया, ये बड़ा आ रहा है, 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 ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहे हैं। देखो 15 आ रहे क्या, देखो 15 आ रहे क्या, आगे 15 आ रहे, हो गया खत्म। 15 अपॉन 36, 5 अपॉन 12। समझ में आ रहा है सबको? क्या सबको समझ में आ रहा है? बहुत शॉर्टकट में करवा रहा हूं मैं, मैंने आज जानबूझ के ऐसा ले लिया कि फटाफट हो जाए। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं वन शॉट में प्रॉब्लम सेट जानबूझ के नहीं करा रहा हूं बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में ही 30-30, 40-40 क्वेश्चन है। तुम मेरे भी तो हालत सोचो ना यार बच्चों, ऐसे कैसे तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम स्वार्थी नहीं हो, मेरे को पता है तुम स्वार्थी नहीं हो, लेकिन अभी कितना टाइम है? 8 बज गए, तो मैं करवा देता हूं कुछ क्वेश्चन इसमें से। चलो अगले पे जाते हैं। A card is drawn at random from the 52 card. Find the probability the card is drawn is number 1. S card. S मतलब इक्का. S मतलब इक्का. इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं. तो 4 अपॉन 52 मतलब 1 अपॉन 13. 52. 4 अपॉन 52. 1 अपॉन 13. Spade. Spade card कितने होते हैं? 13 होते हैं. तो 13 अपॉन 52. 1 अपॉन 4. पर ये लिखना पड़ेगा. There are 52 cards. तो यहाँ पर NS होगा 52. फिर ए जो है इवेंट क्या है कि ये कार्ड जो है एस हो, इक्का हो, तो ये एन ए हो गया 4। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा 4 अपॉन 52, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12। ए ला अगला वाला स्पेड, स्पेड 13 होते तो 13 1 अपॉन 4 हो गया, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी कभी नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो सकती है। एफ डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये पॉसिबल है, ये नहीं होगी, एक से बड़ी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये आंसर आएगा, ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितनी है? ये 83 है, तो ये 83% है। 1/2 को अपन अगर 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 50% हो जाएगा। इसको अगर 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 80% हो जाएगा, 80, 83, 50 हो रही है, तो ये आंसर आएगा, ये आ गया। ओके, हो गया, बढ़ जाओ आगे, ये हो गया। अ बुक शेल्फ कंटेन्स 40 बुक्स, तो ये एस हो गया तुम्हारा, एनएस 40 हो गया। मार्क विद द नंबर 1 से 40, 1 बुक इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द शेल्फ। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बुक इज परफेक्ट स्क्वायर, मुझे बताओ 40 तक के परफेक्ट स्क्वायर, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और 36 है, कितने हो गए? 6, ये 6 हो गए, तो ये 6 अपॉन 40, तो 3 अपॉन 20 आना चाहिए इसका आंसर, 3 अपॉन 20 ये आंसर आना चाहिए, ये हो गया। सॉल्व कैसे किया है देखा, ऐसा किया है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, तुम लोग बस मेरे साथ करोगे ना बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या बात है मयंक, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Px जो है 1/5 है, अभी देखो ये क्वेश्चन ही क्लियर है, मुझे प्रोबेबिलिटी देके रखी है, प्रोबेबिलिटी है
एक अपॉन पांच, प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो होगी nx अपॉन sx, ns अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा ns बराबर एक अपॉन, nx कितना है, nx मुझे निकालना है, ns 20 है तो ये nx और ये 20 और ये एक अपॉन पांच, पांच से कट गया चार बार, चार इधर आ जाएगा, आंसर इसका चार आएगा, ये आंसर चार आया, हो गया है ना, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। आपको क्या देख रखा था, ये px देख रखा 1/5, ठीक है, और फार्मूला क्या होता है px का, किसी पर्टिकुलर इसकी प्रोबेबिलिटी देख रखी है, प्रोबेबिलिटी मतलब nx अपॉन ns, nx अपॉन ns, तो nx की वैल्यू तो मुझे निकालना थी, पर ns कितना था यहां पर देख रखा था सैंपल पॉइंट 20, तो 20 रख दिया ऐसे काट दिया, तो उसको भी तो कर दे तो भी चलता। अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इज 0.8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है लड़की की जीतने की, 0.08 है। 6000 टिकट्स आर सोल्ड, देन हाउ मेनी टिकट्स शी बॉट, इफ 6000 टिकट्स वर सोल्ड तो कितनी वो करेगी, एक काम करो प्रोबेबिलिटी दी है आपको कितने टिकट निकालना है, मतलब आपको NA निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा NA अपॉन NS बराबर 0.08 जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहां आप क्या करोगे, 6000 रख दोगे, 6000 का मल्टीप्लाई करो, 480 आना चाहिए, मल्टीप्लाई मार के 480 आ गया है ना, मल्टीप्लाई मारना, कैसे आया थोड़ा बता देता हूं फिर से, इसकी मेथड को मत देखो, इसकी मेथड को देखोगे ना तो परेशान हो जाओगे, इसकी मेथड को मत देखो, देखो ये भाई साहब के पास क्या था कि ये कितना है, ये प्रोबेबिलिटी है पर्टिकुलर इवेंट की 0.08, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, वो होगा NA अपॉन NS बराबर 0.08। अब NA मेरे पास एक नहीं है, मुझे कितने टिकट उसने लिए मेरे को नहीं पता, तो मैं NA को NA ही रखता हूं, टोटल टिकट 6000 थे तो अपॉन में 6000 कर देता हूं बराबर 0.08। एक काम करते हैं NA लिखते हैं और यहां इसको ये 6000 लिख देते हैं और इसको 8 अपॉन 100 कर लो, डेसिमल में लग गया, 2 जीरो कट गया, तो NA क्या हो गया 8 × 60 हो गया, तो 6848। मैंने तो देख के बोल दिया था, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, कभी कभी मैं ज्यादा भी स्पीड से कर जाता हूँ, ठीक है ना, डरना नहीं है। 480 ये देखो ऐसे ही किया है, अपन ने अलग किया, मेरी मेथड अलग है, फोटो लेते चलना। अच्छा तुमको जब भी कुछ लिखना हो मुझे पॉज कर देना और फोटो मार लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं देखो सिर्फ आपको बुक नहीं करवा रहा हूं, जब भी मैं इधर करवाता हूं ऐसे छपे छपाए पे तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाता हूं, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एन इवेंट कैन नॉट ऑकर प्रोबेबिलिटी जीरो, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, जो इवेंट हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। ट्रू फॉल्स बताना, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी लेस देन जीरो, जीरो से बड़ी नहीं हो सकती, जीरो से छोटी नहीं हो सकती, सही है। प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी इज नेवर निगेटिव, वो जीरो से एक के बीच में ही घूमती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो से एक के बीच में ही होती है, वो जीरो भी हो सकती है, वो एक भी हो सकती है, पर जीरो से छोटी नहीं होगी, मतलब निगेटिव नहीं होगी पहली बात, और एक से बड़ी भी नहीं होगी दूसरी बात, ठीक है, तो ट्रू है ये। आगे बढ़ते हैं, पिछले साल कौन सा, वो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा, 2 कॉइंस, मैंने बोला ना 2 कॉइंस का क्वेश्चन आएगा, आएगा, 3 में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, 2 कॉइंस वो टॉस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट है नो हेड टर्न अप, एक भी हेड नहीं आए मतलब दोनों टेल आ जाए, और दोनों टेल आ जाए मतलब एक, टोटल आउटपुट 4, तो 1/4, और 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म विद दिस, ओके विदाउट रिपीटेशन, 2 डिजिट नंबर बना तो कैसा होगा, वो होगा 2 3 2 5 2 7, दोनों 2 हो गया ना, ये कितने हो जाएंगे 20 बनेंगे, फिर 3 2 3 7 3 9, 5 2 5 3 5 7 5 9, 7 2 7 3 7 5 7 9, और फिर 9 2 9 3 9 5 9 7, कितने हो गए, ये 5 है और ये 4 लाइन है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 25 हो गए, 25। और ये क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज एन ऑड नंबर,
ऑड कौन से इसमें से, इसमें से ऑड कौन से, ये एक ऑड है, ये दूसरा ऑड है, ये तीसरा ऑड है, ये चौथा ऑड है, पांचवा ऑड है, छठवां ऑड है, सातवां ऑड है, आठवां ऑड है, नौवां ऑड है, दसवां ऑड, ग्यारहवां ऑड, बारहवां ऑड, तेरहवां ऑड, चौदहवां ऑड, बाप रे बाप रे 15 ऑड हो गए 25 में से, बाप रे 15 नहीं 16 है, एक और बच गया, और कौन सा, हाँ ये भी ऑड है 16, 29 भी तो ऑड ही होता है, तो 16 हो गया, 16/20 4/5 हो गया प्रोबेबिलिटी। क्या बात है, कितना सोपा क्वेश्चन है ना, सोपा सोपा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कितना है, 92 से ये सब लिख दिए इसे और उसको लगा दिए बोला भगाओ आगे। 52 कार्ड्स है, प्रीवियसली आज क्वेश्चन है, 2022 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया एक्टिविटी वाला। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ द वेल शफल कार्ड, 52 कार्ड्स, ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन। नंबर ए, द कार्ड ड्रॉन इज एस, एस कितने होते हैं, एस होते हैं भैया 4, इक्के 4 होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनए अपॉन एनएस, तो 4/52, तो 1/13 हो गया। दूसरा वाला, द कार्ड इज स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, तो ये होगा 13, सॉरी ये होगा 13/52, तो कट गया, तो ये होगा 1/4 हो गया भैया, सिंपल है बहुत। इतने चिंदी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फुकट के मार्क्स, फुकट के मार्क्स है, बीस है ना, हाँ बीसी तो थे, ये बीसी थे। आगे बढ़ते हैं, देखो 3 red 3 white 3 green 3 black कितनी बॉल हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 3 3 6 3 3 9 3 6 12 हो गए। देन वन बॉल इज पिक्ड अप फ्रॉम द बैक, उसमें से एक बॉल निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट हो, या व्हाइट बॉल है, व्हाइट है, 3/12 की प्रोबेबिलिटी होगी, नॉट व्हाइट, देखो 3/12 मतलब 1/4, नॉट व्हाइट हो कितनी है, 3 3 6 3 3 9 9/12, तो होगा 3/4। अब मैं आपको इसके अंदर एक अलग तरीका बताता हूं कि अगर कोई इवेंट है, अगर कोई इवेंट है कि पी ए देके रखा है 1/4, ये किसके लिए, कि व्हाइट बॉल है, अब मैं बोलूं पी ए नहीं है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुआ, मतलब पी ए नहीं है तो पी ए डैश भी लिखते हैं इसको, या उसको पी ए बार भी लिखते हैं, और वो क्या होता है, उसको 1 PA करते हैं, तो 1 PA मतलब 1 1/4, तो 4 × 4 में से 1 गया, तो 1/4, तो 3/4। मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया, लेकिन अगर विदाउट सॉल्व किया तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, करने के तरीके अलग अलग है। तो पहला तो आप इसको लिखोगे तरीके से, 3 3 3 3 बॉल है, फिर टोटल बॉल कितनी है 12 है, फिर व्हाइट बॉल कितनी है 3 है, फिर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, NA/NS, तो 3/12, तो 1/4 तब आएगा, फिर नहीं होगा तो उसको 1 में से माइनस कर दो। देखो ये R1 R2 R3 W1 W2 W3 जमा के लिखा है, ये 12, ये 3, ये 1/4, और फिर नहीं है तो ये वाले है, नहीं है तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने जैसे बताया वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको ये पीबी निकालना है तो पीबी निकालने का एक और तरीका होता है, 1 PA कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, 1 1/4 3/4, दैट्स इट। ऐसे भी करते तो भी चलता, ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, फिर प्रॉब्लम सेट है। क्रिएटिव माइंड ध्रुव, सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो इसीलिए मैं क्लास नहीं जाता, अच्छी बात है सर। ऑफलाइन क्लास के बाद आप यूट्यूब क्लास चालू रखोगे ना, बेटा देखो मैं यूट्यूब बंद नहीं करने वाला हूं, और ऑफलाइन जो है ना वो उन लोगों के लिए है जिनको पूरा फोकस करके एमएसटी सीटी की और बाकी की तैयारी करना है। क्योंकि देखो यूट्यूब पर क्या है ना, भले ही मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, है ना, भले ही मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुमको एक समझ में आती बात, सर कभी आते कभी नहीं आते, मैं पढ़ाता पूरे दिल से हूं। देखो मैं आई एम अ वर्कहोलिक पर्सन, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एल्कोहलिक और एक होते हैं वर्कहोलिक, वर्कहोलिक है ना, वर्कहोलिक, एल्कोहलिक और वर्कहोलिक। मैं वर्कहोलिक हूं, वर्कहोलिक मतलब जिसको काम का नशा है, काम ही काम करता है, मेहनत ही मेहनत करता है, मैं वर्कहोलिक हूं। एल्कोहलिक सुबह सुबह 6 बजे टर्न हो जाते हैं, 5 बजे 6 बजे टर्न हो जाते हैं, सड़क पर पड़े मिलेंगे, वो एल्कोहलिक होते हैं, और मैं वर्कहोलिक हूं।
तो मैं काम तो बंद नहीं करने वाला, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि YouTube जो है ना बेटा, YouTube ये पुण्य कमाने की मशीन है, ये पुण्य कमाने की मशीन है। कितने बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, कितने बच्चे दुआएं देते हैं, कुछ गाली भी देते हैं, पर उसको अपने को ध्यान नहीं देना। जो पढ़ के जा रहे हैं, आज किसी का भला तो हो रहा है यार। अगर एक बच्चा भी दिन में मुझ देखो हमारे चैनल पे 1,00,000 बच्चे पढ़ते हैं रोज, 1,00,000 से ज्यादा व्यू रोज होते हैं, 1,00,000 बच्चे पढ़ के जाते रोज। तुम सोचो कि 1,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1,00,000 बच्चों में से 1% बच्चे ने भी दुआएं दी, 1,00,000 में से 1% ने भी दुआ दी, तो 1,000 बच्चे दुआ दे रहे हैं। पता कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी सेवा है मानव जाति की। अब और क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे को। लोग पैसा दान करेंगे, इधर दान, ये सबसे बड़ा दान है विद्यादान। विद्यादान सबसे बड़ा दान है, तो और क्या चाहिए। ट्वेल्थ का भी करवाऊंगा बेटा, अब मैं जमता तो कल हो सकता है मैं कल इनका ना लेके, कल तुम्हारा ना लेके कल ट्वेल्थ का एक चैप्टर करवा दूं, देखता हूं जैसे जमता है। ये बाकी ये देख रहेगा, चूज द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, ये 1.5 नहीं होगी, ये वाला होगा आंसर। 1.5 कहां से होगा प्रोबेबिलिटी, अगला वाला प्रोबेबिलिटी एक से जिसके बीच में होती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नंबर चूजन 1 to 100 इज अ प्राइम, एक से 100 के बीच में प्राइम कितने होते हैं वो देखना है आपको, 1/4, 25 प्राइम नंबर होते हैं ये 2-3 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा, ये काम में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को पॉज कर लेना। बास्केटबॉल है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ जॉन वसीम एंड आकाश, जॉन का क्या है 1/4/5 है, तो 0.2 हो जाएगा, ये 0.83 हो जाएगा और ये 0.58 हो जाएगा। हु हैज द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी, ये है कौन है वो, वसीम, वसीम राजा सबसे नंबर वन पे, वसीम हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी। आप सबको पॉइंट में बदल दो, इसको पॉइंट में बदला, ये 0.8 हो जाएगा, सॉरी 0.2 नहीं 0.8 होगा, ये 83 और ये 58। अगला बलून है, 2, 3 और 4 बलून है, तो एनएस कितना हो गया, एनएस तुम्हारा 9 हो गया, तो ही वॉन्ट्स टू चूज अ बलून एट रेंडम, ओके टू प्रणाली को देने के लिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ही वॉन्ट्स टू चूज वन ऑफ देम बलून टू गिव इट टू प्रणाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स रेड बलून, रेड बलून मिलेगा तो 2/9, ब्लू बलून मिलेगा तो 3/9 और ग्रीन बलून मिलेगा तो 4/9, इसको 1/3 कर देना, हो गया। देखो ये इसके लिए 9 टोटल हो गया, ये देखो इसने जमा के किया, मैं शॉर्टकट किया है, मैंने टोटल लिखा है ना। आप ऐसे करके कर सकते हो, और आपको एक और तरीका बता दो, दूसरा वाला वो देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल बलून्स है ना, टोटल बलून्स सच एज हीलियम हाइड्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड एयर, डू यू वांट मी टू कीप रीडिंग, नो डोंट रीड, दो प्लस तीन प्लस चार तो टोटल बलून 9 हो गया, ये आपका एनएस हो गया। फिर रेड बलून तो ए, ए स्टैंड फॉर रेड बलून, तो एनए क्या आ जाएगा, एनए 2 आएगा, एन बी कितना आएगा 3 आ जाएगा, एन सी कितना आ जाएगा 4 आएगा, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसे निकाल के करो, वैसे निकाल के करो, तुमको जैसा जमता वैसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो या ऐसे करो, कैसे भी करो, है ना। चलो चलो एक मिनट में आगे जा रहा हूं, इसमें जो मुझे क्वेश्चन आपको बताना है वो करवा रहा हूं। मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स है, मुझे लगता है बेटा बाकी के क्वेश्चन तुम कर सकते हो, फालतू तुमको परेशान करके मतलब नहीं है।
अगर आंसर गलत है 1/5 आंसर आएगा। कौन सा 1/5 आंसर आया? कौन सा 1/5 आ रहा है? 1/5 कहां पर आया आंसर? कहां? यहां तो नहीं है, पिछले वाले में कहां है? कहां है 1/5? किधर आंसर गलत बोल रहा तू? ये 1/4 नहीं आएगा, 5 आएगा। अच्छा ऐसा बोल रहा है, चेक करने दो। 1/4 आ रहा ना, देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कहां है? ऐसे क्या कर रहा है? बराबर है बेटा, गलत नहीं है, ठीक है ना। चलो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूं आपको, जो मुझे लगता है ये तो पूरा हो गया खत्म, कि ईच कार्ड बियर्स द लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में एम ए ये सब लिख के रखे, तो कितने लेटर हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11, 11। ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इट कंटेन्स द लेटर एम? तो दो बार एम है, तो 2/11 हो गया। चिंदी सवाल है। इसमें एक क्वेश्चन और था, वो टॉवेल वाला। एक टॉवेल वाला क्वेश्चन आता है जनरली, कि वो ऐसा कुछ है और इधर कुत्ते भी वीर है, और वो टॉवेल जो है वो उड़ के जाता है और उसको इसमें गिरना है ना। मतलब वो आदमी बेचारा नहा रहा है, ये इसने उसका टॉवेल उड़ा दिया और बोलता कि वो वेल के अंदर ही गिरे, बताओ क्या प्रॉबिलिटी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके हॉट्स हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। एक काम करते हैं, कल हम इसके ऊपर एक हॉट्स का क्लास लेते हैं, कल ना इसके ऊपर एक हॉट्स का क्लास लेते हैं, और जमता है तो सुबह 8 बजे लेते हैं, मॉर्निंग में 8 AM को लेते हैं अनएकेडमी पे। मैं कल क्रिएट कर लूंगा क्लास, सुबह 8 बजे भी एक हॉट्स का क्लास लेंगे हम अनएकेडमी पे, और शाम को 5:30 या 9 बजे भी एक क्लास लेंगे अनएकेडमी पे, ठीक है। चलो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो खत्म होने के बाद मैंने पहली बात तो वीडियो को लाइक किया करो, तुम लोग वीडियो को लाइक वाइक करते नहीं हो, मेरे को पढ़ता नहीं हो। तुम लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, तुम्हारे इसके बिना मजा नहीं आता बेटा। दूसरी बात यह है कि तुम सबको पता है कि पवन सर जो है ये ऑफलाइन क्लास खोल रहे हैं नासिक में, नासिक में हमारा गंगापुर रोड पर क्लास आ रहा है, और ये जो क्लास है आ गया है, और इस क्लास के अंदर हम बहुत कुछ अच्छे से करवाने वाले हैं। मतलब कि यू कैनॉट इमेजिन इतनी चीजें यहां होने वाली है, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम यहां पर, बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। पर्सनल अटेंशन के साथ में मोटिवेशनल सेशंस होंगे, टेस्ट होगा, गाइडेंस होगा, लिमिटेड सीट्स है, नोट्स भी मिलने वाले हैं, टी शर्ट्स और बैग्स भी मिलने वाले हैं, और सबसे कमाल चीज, इस क्लास की सबसे कमाल चीज जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, यहां जो फीस हम लेने वाले हैं, यहां की फीस कंपैरेटिवली जितने बड़े बड़े क्लासेस है उनसे बहुत कम होगी। मतलब जितनी फीस आप वहां देते हो उसका अगर आधा करोगे ना तो 11th 12th हमारे पास पढ़ लोगे। जितनी फीस आप बड़ी बड़ी क्लासेस में देते हो उसका आधा करोगे ना तो उससे भी कम में आपका 11th 12th हो जाएगा। और बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं पढ़ा रहा हूं मैथ्स, और मेरे साथ भी सारे अच्छे टीचर्स होंगे, पूरी टीम बहुत अच्छी होगी। तुम सोच लो कि यार जो बंदा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा है बहुत दिल से, वो पैसे लेके कैसे पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ऑफलाइन की क्लास में आप आके पढ़ सकते हो मेरे साथ, बहुत कमाल की चीजें होने वाली है, इस बात का ध्यान रखना, ओके। चलो वीडियो को लाइक करो, और ये जो है कहां पर है क्लास? अपनी क्लास है शहीद सर्कल पर। हम क्या क्या ले रहे हैं? फाउंडेशन की क्लास लेने वाले 8, 9, 10th की, 8, 9, 10th फाउंडेशन। मतलब वो बच्चों को हम तैयार करेंगे जेई के लिए, नीट के लिए, एमएसटी सीटी के लिए, है ना। स्टेट बोर्ड सीबीएसई के बच्चे हमको ज्वाइन कर सकते हैं, आईसीएसई के बच्चे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, 11th 12th पीसीएम भी हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और जेई नीट और एमएसटी सीटी पढ़ाने वाले। ये नंबर है जहां पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो जो बच्चे नासिक के हैं मुझे देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि हम जो पढ़ाने वाले हैं, जो प्राइस हम लेने वाले हैं, वो इतनी कम है, उतने कम में आपका सब हो जाएगा, इवन बाकी की फैसिलिटीज भी हो जाएगी। आप अगर बाहर सिटी के हो तो आपके लिए हॉस्टल की सुविधा हो जाएगी, आप अगर बाहर सिटी के तो जो अदर फैसिलिटीज होती है, हमें जनरली लोग देखते हैं कि और कहां पर हम फिर 11th 12th हम कैसे करेंगे, तो उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, ठीक है ना। मतलब आप अच्छे से आपकी पढ़ाई कर सकते हो और आप अच्छे से आपका कॉलेज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस में नहीं आएगा। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों। बेस्ट ऑफ लक बेटा, कोई बात नहीं अननोन, कोई बात नहीं बेटा, कोनो बात नहीं है। कारजी करू नका, मी तुमच्या सोबत आहे, भिऊ नकोस, मी तुझ्या सोबत आहे, पाठीशी नाही, मी तुझ्या सोबत आहे। पाठीशी तर आपल्या दोघांचे पाठीशी भगवान स्वामी समर्थ आहे, त्यांचा आशीर्वाद आहे, तर हे सर्व आहे।
भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद है तो अपन है सब कुछ। मैं जो कुछ भी हूँ बेटा आज ये भगवान के ही आशीर्वाद से हूँ कि मैं आज बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ। आज देखो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। सर फ्रॉम नासिक चेतना कॉलेज रोड, ओके। मैथ्स 11 का भी लेंगे भाई, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कौन और पढ़ा रहा है। 5.4 का तीसरा सम रिपीट करोगे क्या? कल कराएंगे बेटा, अब नहीं मयंक, आई एम सॉरी। चलो क्या बोल रहे हैं, संस्कृत स्टेजी पर म्यूजियम बनाओ। अरे क्या बातें कर रहा है, संस्कृत मी संस्कृत करूँ दिया था कसो शक्य दे दादा, ऐसा नहीं होना ना। मुझे IMP दो कल प्रीलिम में, मैंने इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन डाल के रखे हैं चैनल पे, वो देखो जाके। थैंक यू, बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करो जल्दी से, मिलियन पे जाना है। बाय बाय।